क्या कहना चाहिए पवन भैया के इस गाना पे बोलेंगे कि थोड़ा सा अपने तरफ से अमल करें इस विषय पे अच्छे ढंग से। वो तो खुद ही ज्ञानी व्यक्ति हैं, अच्छे सोचते हैं, इस विषय पे वो अमल करें ढंग से। अरे गरिया दिला समय गरिया सड़ जाइए हमें ना सटी, ठीक बा तू गरिया देव तो हमारा थोड़ी सड़ जाइए ना सटी। लेकिन अपना ये संस्कार को अपना भूल रहे हैं, गाली गलम मत कीजिए। मैं तो सब लोग जानते हैं कि ये होता है, सब लोग अपने आप पे होता है भैया, ये सब चीज़ बेकार। हम लोग बहुत नीचे जूम कर लीजिए टाइम 2 जुलाई हाँ लिखे थे हम अपने ठीक। नितेश राठौर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है सारे चैनल में। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की वजह क्या है? सबसे पहले तो आप सभी लोग के धन्यवाद, और जितने भी भोजपुरी समाज है सब लोग का हाथ जोड़ के प्रणाम। एक्चुअली है क्या कि मेरा गाना का रिलीज हुआ हरी हरी ओढ़नी, जिस गाना को पवन सिंह के द्वारा उठा करके गाया गया, और उनका राइटर है आशुतोष तिवारी जी, तो उसी के पक्ष में मैं ये कॉन्फ्रेंस रखवाया हूँ। ये गाना मेरा काफ़ी दिन से इसका तैयारी चला रहे थे, बीच में मेरा मान लीजिए कि फरवरी से ये मेरे राइटर हुए हैं, तो मैं मिला इनसे, इसके बाद में नई नई मिलन हुई थी। मैं बोला कि बोले कि भैया मैं भी लिख सकता हूँ, सबसे बताएं तो गाना एक सुनाए, तो इस गाना में हमको अच्छा लगा कि एक गाना पसंद आया, तो हमको किस गाना को सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद फिर मैं फरवरी से ही काम इस गाना पे स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इनको शादी पड़ गया था, है ना, इनका शादी हो पड़ा गया, उसको दरमियान में शादी ब्याह में बिजी हो गया, तो उसके बाद रुका। फिर मैं 2 जुलाई ना वीडियो भी रुका था, 2 जुलाई को मैं रिकॉर्डिंग इसको किया। रिकॉर्डिंग करने के बाद फिर इसको था कि शिल्पी राज से मैं जो डुएट सॉन्ग था ये शिल्पी राज से मैं गवाऊँ, तो इसके कारण एक है मैडम ही उन्हीं से नॉर्मली गवा करके उस गाना को मैं रख लिया था। मेरा जो वॉइस था उसको भी ओके कर लिया था, जो कि मेरे पास में वो डिस्प्ले पे आपको डेट मैं दिखा सकता हूँ जिस दिन मेरा रिकॉर्डिंग हुई। इसके बाद किसी कारण बस और रुका, किसी कारण क्या सीज़न स्टार्ट हो गया, सावन उसके बाद आ जाता है, सावन आ गया, दुर्गा पूजा आ गया, फिर छठ आ गया। अब जैसे करने वाले थे इसको तब तक के हुआ क्या कि इनको पोस्टर, पवन जी का पोस्टर लॉन्च हुई हरी हरी ओढ़नी, हरी हरी ओढ़नी ही मेरा भी था, तो उसमें मैं मेरे को पता भी नहीं था, यही कॉल किया कि भैया ये देखिए हरी हरी ओढ़नी का तो पोस्टर लॉन्च हो गया है। अब मेरे भाई साहब का तबीयत थोड़ा डाउन था, मैं वहाँ चला गया था, फिर मैं देखा हड़बड़ में, देखा कि हो सकता है यार यही है, तो हो सकता है कि अपना मैटर भी दब जाए, इसको किया जाए। वही मैं हड़बड़ में जा करके मैं अपना लॉन्च किया गाना को, भोर में जाकर छोड़ दिया उसको। लोग के किन्हीं किन्हीं का मेरे तरफ से सबसे बड़ी चीज़ उस गाना का ही तो किए ही किए मेरे साथ जो गलत किए, सबसे बड़ी चीज़ गलती हमें ये लगा कि लोग उल्टी धमकी दे रहे हैं ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। अरे भैया हम लोग छोटा मोटा कलाकार हैं, इसका मतलब कुछ भी कर लोगे भाई, ये कोई मतलब। लोग का कॉल आ रहा था, कई लोग के कॉल आया हम लोग के मोबाइल पे, जो करूँगा मैं सार्वजनिक भी करूँगा वो चीज़ को भी, मैं उसी के लेकर के अपना फेसबुक पे से लाइव आया था कि भैया प्लीज़ रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके ऐसा मत करें लोग। अच्छा आपके राइटर ये हैं? हाँ मेरे राइटर ये। आपके गाने की रिकॉर्डिंग कहाँ हुई थी? BNB रिकॉर्ड, बच्चू बिहारी म्यूजिक डायरेक्टर है। बच्चू बिहारी जी। तो आप इस गाने को गाए थे? हाँ जी। फीमेल, तो ये गाना आपको किसके द्वारा वहाँ तक गया, आप बता सकते हैं? अब ये तो नहीं मैं बता सकता। बच्चू बिहारी के थ्रू गया या फिर फीमेल सिंगर की तरफ से गया? देखिए बच्चू बिहारी भी मेरे साथ खड़े हैं, अभी बोल दीजिएगा वो आने के लिए रेडी हैं, ये भी रेडी है, ये तो साथ में है ही, तो मैं किन पे ये करूँ। हो सकता है सबसे बड़ी चीज़ कहना है कि देखिए किसी स्टार को उन लोग के कहना है पवन सिंह का चोरा के तूने गा दिया, कोई कोई मेरे पास ये भी आया, लेकिन भैया ये तो कम से कम सोचना चाहिए, पवन सिंह के स्टूडियो में जब गवाएंगे तो उनका पैक रहेगा, हम लोग जैसा कलाकार जाके बैठेगा 10 को कलाकार के बैठा कर वो गा लेंगे नहीं गावेंगे, हम लोग जहाँ गाते रहेंगे नॉर्मल कलाकार वहाँ पे 10 को जाके बैठ जाएगा, उसको नहीं हटाएंगे, लाजे लिहाज नहीं हटाएंगे कि सब अपना भाई है ना। तो इसके लेकर के उनका गाना मैं कभी नहीं चोरी कर सकता, और ये नहीं मेरा कर्तव्य भी नहीं है चोरी करना, कब से मैं भी इसमें यही चीज करना रहता ताजे करते, कभी कर लेते हम भी स्टार रहते कर करके। तो क्या कहना चाहते हैं कि आप जब आपकी जब गाने की
रिकॉर्डिंग हो रही थी वहाँ पे कुछ लोग बैठे थे जिन्होंने आपका गाना सुन लिया और जाके कह दिया उनसे। अब वही चीज हुआ होगा, हुआ होगा नहीं आपको पता होगा ना, सुने स्टूडियो में कौन कौन गाना चोरी हुआ, तकलीफ मतलब किस बात की है? मेरे को तकलीफ ये क्रेडिट नहीं मिला। नहीं नहीं वो चीज़ तो ठीक है भैया, सब अपन जगह पे क्रेडिट फ्रेडिट बा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि किसी भी हम जैसे नए कलाकार के अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं तो हर कलाकार के आए दिन होते रहता है ये काम, ये फलाना स्टार इनको उठा के गा दिए, इनको उठा। भैया हम भी इतना दिन से मेहनत कर रहे हैं, काहे ला कर रहे हैं? हमारा गाना कोई उठा के गा दे और हम बैठ करके झाल बजते रहें। धमकी मतलब क्या मिल रहा है? धमकी में मेरा आता है कि अरे गनवा उतारबे कि ना उतारबे तोरा बताई करें। हम कहे भैया हमसे छोट कलाकार अब नाम बा तीन चार गो, शांतनु सिंह एगो रहन, एगो पंकज सिंह करके रहन लाइव में भी बोले थे, एक एक क्या बिरजू बिरजू महाराजन कोची ऐसे करके महाराज कोची ऐसे करके सब था। हम कहे कि भैया हम लोग छोट मोट आदमी भैया मत धमका बजा लोग यार, कितना लोग तो बोल रहे हैं कि बेग देम तोरा ले जा करके गंगा जी मेरे ये करो। हम कहे कि भैया जे करे के बा कर लो, अब तो नहीं अब क्या करें। आपको क्या लगता है कैसे आपका गाना चोरी हो गया? मेरे को तो गाना चोरी का ही लगता है कि किसी ने हुआ कैसे है आप? हुआ कैसे है? मैडम अब ये चीज़ हम कैसे बोल सकते हैं? ये चीज़ कौन मौजूद था इतना तो आपको मालूम है? पूछने का रीजन इसलिए है कि आप जिसकी आवाज उठा रहे हैं आशुतोष तिवारी जी, हाँ आज तक हमें नहीं लगता कि वो ऐसा किए हैं, इसलिए पूछने का रीजन है जी। तो ये तो हम कंफर्म नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से तो मामला ये हुआ, तभी तो मेरा गाना गया। क्योंकि देखिए सेम किसी कि एक चीज़ और क्लियर करना चाहते हैं कि सेम चीज़ जो पंच लाइन है आप लोग भी सुन लीजिएगा या सुने भी होंगे, सेम पंच लाइन है। तो लोग के कहना है कि पोस्टर तीन दिन पहले पवन जी का रिलीज हुई, मैं मानता हूँ रिलीज हुआ, ये टीजर शाम को 7 बजे रिलीज हुआ, आपने भोर में 4 बजे रिलीज किया अपना गाना, ये भी मानता हूँ। भैया टीजर में तुम्हार गाना बा, देखो टीजर में तो खाली डायलॉग बा, पोस्टर पे हरी हरी ओढ़नी बा, ओकरा से पूरा पंचलाइन बन जाइ बताई जाए आप सब, नहीं ना बनेगा? तो जब पंचलाइन जब पूरा है तो हम कहाँ से उनका गाना ले लेनी भैया। पवन सिंह से आपने संपर्क करने का प्रयास किया कि नहीं किया? पवन सिंह से संपर्क करने का प्रयास किया बट हो नहीं पाया जी। क्यों नहीं? मैं तो चाह रहा था इसीलिए कि पवन भैया से संपर्क हो जाता अपना सब इस मामला शांत हो जाता। अच्छा, लेकिन गलती किसकी है, पवन सिंह की है या फिर उनके लोगों के द्वारा? पवन सिंह की भी गलती है, पवन सिंह की भी गलती देंगे, उनके लोग की भी गलती देंगे। क्योंकि आप भी अपने लोग को बता करके रखिए कि भाई, जबकि एक बार वो बोले हैं उनका लाइव में देखा था कि कोई भी दूसरे के गाया हुआ गाना किसी प्रकार के मैटर नहीं मेरे पास लेके आना, वो चीज़ बोले, फिर भी वही चीज़ हो रहा है तो बोलेंगे ही, दोनों के हम बोलेंगे। क्योंकि कोई भी जानेगा किनकर गाना है तो पवन सिंह, हमारे बारे में कोई केकर गाना है तो नीतीश राठौर के। आशुतोष तिवारी जी का मेरे पास नंबर नहीं है मैडम। तो आपको लगता है कि वो बोल देंगे कि हाँ भैया हाँ मैं चुरा लेनी हाँ, या फिर कोई किसी प्रकार की बोल देंगे अपना ओपिनियन दे देंगे? फिर भी आपको कांटेक्ट करना चाहिए थे भैया, कांटेक्ट करने की फुल कोशिश किया नहीं हुआ। प्रियांशु को भी मैं कॉल लगाया हूँ, मोबाइल दिखाऊँ नहीं उठाया प्रियांशु भी। क्या कहें आप, आगे क्या चाहना चाहते हैं? आगे चाहते हैं कि इस गाना के मतलब कि पवन भैया इस पर सोचे विचारे कुछ ये करें। गाली गलौज ना मिले, गाली गलौज ना मिले, वो अपना गाना को उतारे, मेरा गाना रहने दें। आपको लगता है पवन सिंह नहीं उतारेंगे? मेरे को तो पता है कि नहीं उतारेंगे, नहीं उतारेंगे। आवाज उठाना हमारा अधिकार है, क्रेडिट चाहिए। हाँ। क्रेडिट क्यों नहीं चाहिए भैया, हम तो मेहनत कर रहे हैं। क्रेडिट चाहिए, सम्मान चाहिए। वो जो गाली गलौज मिल रहा है वो हम कोई गलत किए ना, गलत अगला आदमी किया है, गाली हमें दिया जा रहा है। अच्छा, उनके जो लोग हैं वो ये भी कह सकते हैं कि आपने ही उनका गाना चोरी किया है जी, ये भी वो कह रहे सरासर ये बात को इसलिए कह देंगे कि पवन सिंह के पास मैटर पहुंचते हुए गाना को रिकॉर्ड करते हुए शूट करते हुए उनका कहना है कि इससे पहले भी एक मैटर हुआ था, तो उसमें वो बोले थे कि हमारा गाना बनते बनते समझिए 1 से 1.5 साल लग जाता है, 5 महीना 6 महीना भी लग जाता है। 1.5 साल वाला बात तो हम ना माने भैया, गाना में फिल्म में तो भोजपुरी में लगते नहीं कि 1.5 साल, तो वो गाना में कहाँ से लगी? उनका ये भी कहना है कि 6 महीना 3 महीना लग जाता है, लेकिन हमारा पोस्टर जारी होते ही बहुत सारा लोग उसको कैसे भी धुन बनाते हैं और तुरंत रिलीज कर देते हैं, हमसे पहले यार कहते हैं कि हमारा ही पहले।
वो चीज़ आप सही बोल रहे हैं, लेकिन हमको कहना, एक मिनट रुकिएगा, कि सेम कैसे बन जाए भैया? यू मान रहे हैं कि उसका कर टोल मोल लोग करते हैं, उस जो नाम है वर्ड का ये है पंच लाइन में भी लेकर के लोग करता है, टोल मोल करता है, लेकिन सेम आ जाएगा। आप सुनिए, एक बुन चेंज रहेगा, धुन से लेकर कुछ भी चेंज हो जाएगा, तो बताइए। आई धुन मैं भी उठाऊँ, कजरी का पुराना धुन है और हमारे रिमझिम बरसे बदरिया का, देखिए वो वाला धुन पे है। जब उनका पोस्टर जारी हुआ तो उस समय क्या रिएक्शन था, कि मतलब क्या लगा था आपको कि ये आपका ही गाना है कि दूसरे गाना है? भैया क्या हुआ देखिए बताते हैं, हम थोड़ा परेशान थे, मेरे भाई का तबीयत खराब था, पहले ही बोला फिर से, मेरे भाई का तबीयत खराब, मैं गया हुआ था वहाँ, ये कॉल किए पोस्टर में, भैया हरी हरी ये ओढ़निया से पोस्टर लॉन्च हुआ है, बटिंग बाइक पर बोला हो ढंग से। हाँ मैडम बा, स्क्रीन शॉट हम लेके आए बनी, स्क्रीन शॉट आपको अवेलेबल, स्क्रीन शॉट लेके आए बनी, दिखाइए आप। स्क्रीन शॉट वा कहाँ हो लाइन, दिखा देते हैं अभी, दिखा देते हैं। मिल गया, जूम कर लीजिए टाइम। 2 जुलाई हाँ लिखे थे हम अपने ठेका से पहले, इसका मतलब 21 से पहले फरवरी, तो फरवरी में सब तो हम लोगों ने देखा। अब जाते जाते दर्शकों को और क्या कहना चाहिएगा पवन सिंह टीम को? दर्शकों को, पवन सिंह जी को, जितने भी हैं सभी लोग के हाथ जोड़ करके यही कहो भैया कि बस न्याय करी लो और सच्चाई के साथ देवे के चाहिए, ठीक ना? अब भैया थोड़ा बहुत एक मैटर इधर उधर कर करके जेकरा तेकरा मरदे गरिया करके कोई फायदा नहीं के मरदे, गरिया दिला से हम गरिया सड़ जाइए हमें ना सटी, ठीक बा? तू गरिया देव तो हमारा थोड़ी सड़ जाइए ना सटी, लेकिन अपना ये संस्कार को अपना भूल रहे हैं, गाली गलम मत कीजिए, न तो सब लोग जानते हैं कि ये होता है, सब लोग अपने आप पे होता है भैया, ये सब चीज़ बेकार। हम लोग पवन सिंह बहुत करके क्या कहना चाहिए? पवन भैया कि इस गाना पे बोलेंगे कि थोड़ा सा अपने तरफ से अमल करें इस विषय पे अच्छे ढंग से, वो तो खुद ही ज्ञानी व्यक्ति हैं, अच्छे सोचते हैं, इस विषय पे वो अमल करें ढंग से, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद देते जी, नमस्कार आप सभी को।